सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक ऐसा शो है जो कि आए दिन हेटर्स के निशाने पर बना रहता है। लोग शो की कास्ट और मेकर्स को जमकर ट्रोल करते रहते हैं। बीते कुछ समय से नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा हेटर्स के निशाने पर है। लोगों का दावा है कि मेकर्स सई को विलन बनाने के लिए पाखी और विराट की जोड़ी बना रहे हैं। लोग देवर और भाभी की इस जोड़ी को जरा भी पसंद नहीं करते। हालांकि नील भट्ट सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को एक सिरे से नजरअंदाज करते हैं। इसी बीच नील भट्ट ने अपनी और ऐश्वर्या शर्मा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। नील भट्ट ने बताया कि वो पर्दे पर विराट और पाखी की केमिस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं। ऐश्वर्या शर्मा के बारे में बात करते हुए नील भट्ट ने टेली चक्कर को बताया, मेरी और ऐश्वर्या शर्मा की असल जिंदगी की वजह से थोड़ी परेशानी तो होती है, हालांकि हम दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। ऐसे में हमारी जोड़ी अच्छे से कैमरे के आगे परफॉर्म करती है। शो में आपको कभी नहीं लगेगा कि असल जिंदगी में हम दोनों कपल हैं। मेरे बहुत से को स्टार्स ऐसे रहे हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, तब भी लोगों ने हमारी जोड़ी को पसंद किया। हम पर्दे पर वो उतारते हैं जो लिखा जाता है। आगे नील भट्ट ने कहा, अगर मैं ऐश्वर्या शर्मा को नहीं भी जानता तब भी हमारी केमिस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ कि असल जिंदगी में शादी होने के बाद भी विराट और पाखी के बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ा है। अगर आप कैमरे के आगे परफेक्ट है तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि असल जिंदगी में आपका क्या रिश्ता है। अपने ऑन स्क्रीन बच्चों के बारे में बात करते हुए नील भट्ट ने कहा, तन्मय और आर्या के आने से सेट पर काफी कुछ बदल गया है। ये दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। दोनों के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं आर्या सकारिया को बंदर बुलाता हूँ। आर्या मौका पाते ही मेरी कमर पर चढ़ जाती है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।